मुझे लगता है कि एक फिल्म का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फोटो का बना आई थिंक इज़ अ वेरी कैची टाइटल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल। और आप जब एक फिल्म के टाइटल को सुनते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो आई थिंक फोटो का वन इज़ अ वेरी फ्रेंडली टाइटल, और हम लोग सब चाह रहे हैं कि सब अच्छा जुड़े और फिल्म इंशाल्लाह कामयाब हो। इसमें मैं एक पुलिस वाला बनाऊँ और अच्छा हूँ या बुरा ये नहीं बता सकता, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस है मेरा, मुख्य किरदार जैसा आपने देख लिया प्रोमोज में राजपाल हैं और जिमी शेरगिल हैं। स्वीट सी फिल्म है जैसा डायरेक्टर साहब ने बताया, मनमोहन देसाई जी का जो जॉनर था उसी जॉनर में है। आफ्टर ऑल एज अ पुलिसमैन आल्सो यू आर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, हियर आल्सो यू आर प्रिजर्विंग, अ जज आल्सो इज अ जुडिशियल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर। बहुत कम समय बाकी है रिलीज के लिए, एंड 14th ऑफ दिसंबर इज अ डेट दैट वी डिडंट वांट टू मिस। तो इस टाइम में जितना भी यू नो अवेलेबल हो सका और जितना भी यू नो वी कुड अरेंज, जिमी शूटिंग इन लखनऊ एंड राजपाल इज शूटिंग इन शिमला, I mean, Nikita is in Hyderabad. So it was very difficult for us to, you know, get their time for this particular evening. And 14th of December is an important date that we didn't want to miss under any circumstances. ये फिल्म का म्यूज़िक करना एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ इस वक्त कि कैसा आप लोगों को कैसा लगा। आई फॉर द नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम बट आई प्ले द बैड गाय, बट या ही इज़ अ बम्बलिंग स्मगलर, मतलब कोशिश में लगा एक मूर्ति हासिल करने में, और किस तरह थ्रू द फिल्म वो हर बार 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 नाकामयाब होता है, तो उस तरह का कुछ कॉमिक विलन है। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ जेडी एंड एज अभिषेक सेड, ग्रेट थैंक्स टू अनवर सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक म्यूजिक फॉर दिस फिल्म, एंड ऑल आई कैन से we've had a lot of fun making the music, hope you have a lot of fun hearing it, thanks so much. Photo ka one ek hota hai na ki aadmi 1 2 ka 4 jo hota hai, 1 2 ka 4 hota hai koi jhol karna, tab usko aap ulta kijiye 4 2 ka 1, to koi jhol hua hai usko seedha karne ki koshish।